सो हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स ही कर रहे थे हम, उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं पहले तो प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स इशू करते हैं ना, उसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, जो कंपनी शेयर इशू करती है ना पब्लिक के अंदर, तो उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को पढ़ते हैं पहले। कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में शेयर इशू करेगी, और प्राइवेट कंपनी है तो अपने मेंबर्स को शेयर इशू करेगी। और वो मेंबर्स जो होते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। पब्लिक कंपनी में कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, प्राइवेट में कितने हो सकते हैं, 1% में कितने हो सकते हैं। तो 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती है 1% कंपनी भी, तो वो तो अपने ओनली मेंबर्स को शेयर इशू करती है, मेंबर भी रिलेटिव वगैरह ही होते हैं। लेकिन अगर जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर इशू करती है इसको पब्लिक को, और उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। हाँ, कम से कम 7 मेंबर होना जरूरी है पब्लिक कंपनी के लिए। सो उसका प्रोसीजर क्या है शेयर इशू करने का, तो इसके स्टेप हैं। पहले मैं स्टेप लिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड स्टेप। लेकिन सेकंड स्टेप से जाने से पहले स्टेप नंबर फर्स्ट देखो, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? ये है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। पब्लिक जो है ना, उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू कर किया जाएगा। जैसे जैसे मुझे कोई अभी रात को सपना थोड़ी आएगा, या आपको कोई रात को बढ़िया सा एकदम सपना आया क्या कि भाई वो फलाना कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है। पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो है वो शेयर इशू कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है, कितने का शेयर है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी हमारे से पैसे लेके क्या करेगी उसका, है ना। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये प्रोस्पेक्टस के अंदर पब्लिक को इशू की जाती है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तरह का ये एड है, एडवर्टाइजमेंट है, जिसके अंदर लिखा होता है कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा बिजनेस है, और इतना हमारा पिछला रिकॉर्ड रहा है, अब हम नए इतने सारे शेयर इशू करना चाहते हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू इतनी है, और जो पैसा आएगा उसको हम इस बिजनेस में लगाएंगे, इस बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ इतनी है, वो सारी डिटेल दे रखी होती है। फिर जो पब्लिक में जो शेयर होल्डर है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं इस कंपनी के शेयर बाय करके इस कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, वे उस प्रॉस्पेक्टर को अच्छे से रीड करेंगे, और अगर उनको सही लगेगा, उनका एनालिसिस करेंगे, उनको लगता है ओके है तो वो कंपनी के शेयर बाय करेंगे, किसी को लगेगा नहीं है ओके तो वो नहीं करेगा। तो बस यही प्रॉस्पेक्टस होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रॉस्पेक्टस। ओके, बट कोई भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो उससे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस कहाँ इशू करना पड़ता है? एक तो कंपनी की वेबसाइट पे आप डाल सकते हो प्रॉस्पेक्टस को, या फिर उसके प्रॉस्पेक्टर को जो न्यूज़पेपर होता है, लोकल न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर, या जो भी नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर के अंदर वो जो प्रॉस्पेक्टस है, यानी कि जो वो एड है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको पब्लिश कराना पड़ता है। ओके, ठीक है भाई, एक बार प्रॉस्पेक्टस इशू हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एप्लीकेशन आएगी और क्या, सेकंड स्टेप यही होगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसको समझना अच्छे से, एप्लीकेशन रिसीव्ड को, टू रिसीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मुझे पसंद आ गया भाई, कंपनी का अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा ना शेयर को बाय करने के लिए। उस प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि कब अप्लाई करना है, कितने सेल के लिए अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, किसके थ्रू अप्लाई करना है, वो सारा उसमें लिखा होता है। तो बस उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के, जैसे मुझे अगर सेल बाय करना है तो मैं क्या करूंगा,
अप्लाई करूंगा। मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा ना, तो अब वहां पर कंपनी के सामने दो सिचुएशन आ सकती है। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई है ना, वो कितनी आई है, जो भी कंपनी के सामने एप्लीकेशन आती है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली लिमिट पूरी होनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ द एप्लीकेशन, अधिकतर केस में ये होता है 90% ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से सेबी से अलग से अप्रूवल ले ले तो अलग बात है, बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है, वो जितने भी शेयर हम इशू कर रहे हैं, उसका 90% जो है वो एप्लीकेशन आना चाहिए, 90% ऑफ जो इनविटेशन दिया है ना, तो 90% ऑफ इशू, जितना आप शेयर इशू करना चाहते हैं उसका 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है। 90% अगर एप्लीकेशन आ जाता है तो आप शेयर इशू कर पाएंगे, वरना कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, उसे अपना पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है यस, तो कंपनी आगे फर्दर बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर नो, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। अब यहां पर भी कुछ सिचुएशंस होती है, क्योंकि जब एप्लीकेशन लोग जमा कराते हैं, अगर मुझे शेयर कंपनी का खरीदना है तो मैंने कंपनी में एप्लीकेशन जमा कराई होगी, तो एप्लीकेशन के साथ में कुछ पैसा भी तो डिपॉजिट कराया होगा। अब कंपनी का 90% एप्लीकेशन आ ही नहीं रही है, तो कंपनी क्या करेगी, मेरा पैसा मुझे रिफंड कर देगी। तो वो रिफंड जो पैसा करना होता है वो 30 दिन के अंदर करना होता है ना, मनी रिफंड कर दो भाई। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो मनी क्या कर दी जाएगी, रिफंड, कब, विद इन 30 डेज। हाँ, अगर सेबी कुछ और छूट दे दे तो अलग ही बात है, बाकी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर मनी लौटानी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक कंपनी है, वो शेयर इशू करना चाहती थी, फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, नंबर ऑफ शेयर, एप्लीकेशन आ गई उसकी, उसके पास में 8 लाख, मान लेते एप्लीकेशन आ गई 8 लाख, एप्लीकेशन रिसीव, क्या 90% सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे, जितने शेयर इशू करना चाहते थे, कितने करना चाहते थे, 10 लाख, उसका 90% कितना होता है, 9 लाख, तो कम से कम 9 लाख शेयर बाय करने के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन एप्लीकेशन तो एक्चुअल में 8 लाख ही आ रही है, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी, क्योंकि 90% ऑफ इशू ऑफ शेयर की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है, शर्त है, वो पूरी नहीं हो रही है। तो अब क्या, जिन जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है एप्लीकेशन पे, उनका पैसा उनको लौटा दिया जाएगा विद इन 30 डेज। ये विद इन 30 डेज की बात जो है, ये लिखी हुई कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है ना, और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 39, ठीक है, तो सेक्शन 39 के अंदर, सेक्शन नंबर 39 जो है, सेक्शन नंबर 39 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 39 जो है वो बोलता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो रहा है तो मनी है वो रिफंड कर दो 30 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने पैसा आपको दिया है शेयर बाय करने के लिए एप्लीकेशन दी। बट मान लेते हैं अगर एप्लीकेशन जो है, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखिए बेटा आप, यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है 10 लाख का 90%, 9 लाख, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन आई 8 लाख की, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो रहा है तो मनी रिफंड कर दी। मान लेते हैं एप्लीकेशन आ गई 9,50,000 की, 9 लाख उससे ज़्यादा आ गई, तो अब तो कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर सकती है। अब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कौन सा स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी अब शेयर्स का। यहां से अगर आपका यस हो जाता है तो आपका स्टेप नंबर आ जाएगा थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉट करेगी। आया समझ में, ये स्टेप फर्स्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, ये हो गया स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, और ये वाला स्टेप थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बताओ कोई प्रॉब्लम, प्लीज रिप्लाई कर दो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो थम्स अप भेज दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके ज्योति, थैंक यू। ओके अमित, ठीक है। अब देखो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया शेयर अलॉट करना, ठीक है। क्या करना? शेयर अलॉट करना, ठीक है। तो शेयर कंपनी अलॉट कर देगी, और अलॉट करने से पहले कंपनी जो है अलॉटमेंट की मनी मंगा लेती है, ठीक है। अलॉटमेंट की मनी मंगा लेगी। एक्चुअल में जो भी शेयर होता है, आपने 11th 12th में पढ़ाई होगा, एप्लीकेशन मनी होती है। एप्लीकेशन मनी तो एप्लीकेशन के साथ में आ जाती है, फिर कंपनी मंगाती है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मंगाने के बाद कंपनी शेयर्स को क्या कर देती है? अलॉट कर देती है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर स्टेप होता है, बहुत ही ईजी स्टेप नंबर फोर, और वो होता है मेक कॉल्स। मतलब अब कंपनी पैसे मंगाने का काम स्टार्ट कर देती है, कॉल्स ऑन शेयर्स। आपको पता है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वो सब। तो अब कंपनी जो है, हो सकता है सारा पैसा कई सारी कंपनी एक साथ भी मंगा देती है, आजकल तो ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। बट ठीक है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा भी कर सकता है। फिर स्टेप नंबर आ गया फिफ्थ, और उसके अंदर क्या करती है कंपनी जो है, इशू कर देती है शेयर सर्टिफिकेट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या कर देगी? इशू कर देगी, ठीक। आगे और बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर पड़ेगा मैं इनके बारे में आपको और बताता जाऊंगा। तो ये लाइव बैच कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लाइव बैच लग रहा है हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। यूट्यूब पे लाइव नहीं आता है ये, तो डेमो सेक्शंस आ रहे हैं आपके, कॉमर्स वाले गुरुजी। इस ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में जाके आप कॉमर्स वाले गुरुजी लिखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ये जो लाइव बैच है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं और किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।